हाँ हमजा, क्या हुआ? अरे मैं चेंज कर रही थी, बस निकल रही हूँ। हाँ हाँ, 2 मिनट्स। ख्वाहिश की बारिश कोई बरसी हुई तो है, फिर भी मेरी जिंदगी तरसी हुई तो है। तू रहे आशना यार है, जुनबी मेरी हर सांस है। फरहान, ये हमजा है ना? हाँ हमजा तो है, लेकिन ये साथ में लड़की कौन है? सोनिया बस कर दो यार, तीसरी प्लेट खा रही हो तुम। क्यों, तुम्हारे पैसे खत्म हो रहे हैं? मजाक कर रही, सॉरी। शक्ल तो ठीक करो, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए कह रहा हूँ। एक और, और एक तुम खाना। नहीं मैंने नहीं खाना, सॉरी। अच्छे थे ना? अरे क्या था? इनको अब तसल्ली हो गई तुम्हारी दिलखुशी? वो लड़की हमजा के साथ थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमजा उसे पसंद करता है। हो सकता है उसकी कोई खुली को। जिस बेतकल्लुफी से वो हमजा के साथ बैठी हुई थी, वो कोई गर्लफ्रेंड ही हो सकती है। चले मान लेती हूँ, लेकिन उसका क्या? जो जज्बात आपकी बहन के दिल में है। मुझे तो नहीं लगता, जुगनू हमजा को हमेशा से बिल्कुल उसी तरह प्यार करती है जैसे मुझसे, और हमजा जुगनू को हमेशा से अपनी बहनों की तरह समझता, जिसका अंदाजा मुझे अच्छी तरह है। हो सकता है आपका अंदाजा ठीक हो। मैं ये सब अंदाजे से नहीं कह रहा, हकीकत यही है, हमजा के दिल में जुगनू के लिए कुछ भी नहीं। और जुगनू के दिल में? हमजा तो बहुत अच्छे हो। क्यों, तुम्हें गोलगप्पे खिलाए हैं इसलिए अच्छा हूं? उसलिए भी, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे हो। बताओ ना, बाबा से कब मिलने आओगे? बस एक बार पप्पो से बात कर लूं, फिर आता हूँ उसके बाद। से बात कर लो, पप्पो से बात कर लो। इतने महीने से एक ही बात कह रहे हो, लेकिन बात ही नहीं करते। उसे डरते क्यों हो इतना? डरता नहीं हूँ सोनिया, उसे प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और शदीद वाला प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे आगे पीछे ऐसे फिर रही होती है जैसे एक छोटे बच्चे के आगे पीछे उसकी माँ फिरती है। आई मीन, कैन यू इमेजिन? आई एक्चुअली कांट, एंड दैट इज वेरी लकी। I know. मैं तो मामा का वेट ही करती रह जाती हूँ, कब उनके पास टाइम हो और कब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। That's actually very lucky. ये तो बहुत अच्छी बात है यास्मीन, कि तुम बेटियों के लिए ऐसा सोचती हो। मेरी सोनिया बहुत स्पेशल बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट। उसकी शादी का तो मैं अभी सोच भी नहीं सकती, मगर भाभी कभी ना कभी तो उनकी शादी करनी पड़ेगी ना आप लोगों को। हाँ, एक ना एक दिन। मेरे ख्याल में तो इस वर्ष से जितनी जल्दी सुबकदोश हो जाए उतना ही बेहतर है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेटियों को बोझ समझ के, फर्ज समझ के जल्दी जल्दी उनकी शादी करना, ये बड़ा ही लोअर क्लास कॉन्सेप्ट है। वैसे हमें किस चीज की कमी है? रुपया पैसा कोई मसला तो है नहीं।
और सोनिया के लिए, सोनिया के लिए तो मैंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं। मेरा ना बच्चों के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए हम लोगों को कब से। वक्त आएगा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ना। सोनिया एक बात तो बताओ, लड़कियों की तो आजकल ख्वाहिश होती है कि किसी बहुत ही अमीर बंदे से शादी हो ताकि वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। तुम्हें मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के में क्या दिखाई दिया बताओ? इसीलिए पूछा। तुम सच में जानना चाहते हो? इतनी अनोइंग क्यों हो रही हो, बता दो। कुछ भी नहीं, ये तुम्हारी मुस्कुराहट जिसमें मेरे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार और कुछ नहीं, ये पसंद है मुझे। How logical though? लॉजिक नहीं है लेकिन यही है। तुम बताओ तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? You. See, that's the thing about love. It's no logic. I guess. Thank you. मैं सोच रहा था यास्मीन कि जितने प्लान तुमने अपनी बेटी के बारे में बना रखे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इतने बड़े नहीं हो तो क्या? क्यों नहीं होंगे? मेरी बेटी बहुत समझदार है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी लापरवाह है, थोड़ी सी लाउबाली है, मगर अपना अच्छा बुरा खूब समझती है वो। हाँ ये तो ठीक कह रही हूँ। आसिफ, ये सोनिया है? बाइक पे किसी के साथ? हाँ है तो सोनी, ये यहाँ क्या कर रही है? मामा, बाबा, ये हमजा है। हमजा, दीज आर माय पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में चल के बैठो। मामा, हमजा। मैं कह रही हूँ गाड़ी में बैठो चल के।